से जो बच्चे स्कूल से हैं, मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये आप ये समझिएगा कि बड़े भाई का एक मशवरा है, आप इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। मेरे बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है प्रोफेसर, मैं 10 साल तकरीबन हो रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपना जो एम बनाइए लाइफ का, जो आप अपना गोल बनाइए वो ऊँचा बनाए, क्योंकि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे तब तक उसकी ताबीर कैसे होगी। तो आप ख्वाब ऊँचा देखिए और उसके बाद उसको अचीव कीजिए। ख्वाब आपके बदलते रहेंगे, अभी आपके स्टेजेस, अभी आप मान लीजिए प्राइमरी लेवल पे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ख्वाब भी ऊँचा होता जाएगा और इंशाल्लाह एक न एक दिन आप इसको जरूर अचीव करेंगे। ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे बच्चों को मैं इवन गार्जियन से भी कहूँगा, आप बच्चों के साथ बैठिए और उनसे पता कीजिए आपके अंदर उनके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं जिसको तराशने की जरूरत है और उसकी तरफ उसको मोल्ड करने की जरूरत है। ये अभी बिल्कुल आप जैसा ढालेंगे वैसा ढल जाएंगे। ये जिम्मेदारी गार्जियन की भी है, ये जिम्मेदारी अस्तादा की भी है, टीचर्स की भी है, इवन ये जिम्मेदारी एक एक वर्ड के भी समाज में। ये आप मत सोचिए कि जिम्मेदारी से बच्चे कह रहे, बच्चों के बारे में तो आपसे पूछा जाए कि आप ऐसा नहीं है कि बहुत आप के अंदर कौन सी खूबी थी कि ये बच्चे आपके जिम्मेदारी में आ गए। आपकी जिम्मेदारी में अगर आप आए हैं आपके मोहल्ले में